नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप घर में घी को कैसे चेक कर सकते हैं। आप जो मार्केट से घी लेके आए हैं उसकी क्वालिटी आप घर पे ही कुछ सिंपल मेथड से और कैसे आप चेक कर लेंगे कि आपका जो घी है वो अच्छी क्वालिटी का है या फिर उसमें कुछ किस तरह की कोई मिलावट की गई है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे घी को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम घर पे घी बनाते हैं, जो प्योर घी होता है, उसमें आप देखेंगे उसका कलर होता है वो लाइट येलो से गोल्डन ब्राउन तक का कलर होता है, और जब हम घी को गर्म करते हैं तो उसका कलर लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक हो जाता है। और हमेशा शीशी में, जिस शीशी में आप घी रखेंगे, तो उसके नीचे आपको दानेदार पार्टिकल्स, ऐसे ग्रैन्यूलर पार्टिकल्स आपको उसके बॉटम में हमेशा दिखाई पड़ेंगे। तो ये घी की, असली घी की पहचान है कि उसके बॉटम में आपको हमेशा ग्रैन्यूलर पार्टिकल्स दिखते हैं। और पुराने टाइम में लोग घी को कैसे टेस्ट करते थे, अपने पाम पे, अपनी हथेली पे थोड़ा सा घी लेकर उसको रब करेंगे तो वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाएगा ठंड में नहीं, आप रूम टेम्परेचर पे अगर घी को मेल्ट करेंगे तो अच्छे से मेल्ट हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी उसको रगड़ेंगे आप। तो कौन कौन से कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं जो घी में मिक्स किए जाते हैं, मींस क्या मिलावट घी में करी जा रही है? तो सबसे जो कॉमन है वो है, पहला देख रहे हैं आप, स्टार्च। स्टार्च की मिलावट घी में की जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैश्ड पोटैटोज या फिर स्वीट पोटैटोज को मैश करके घी में मिक्स कर देते हैं। सेकंड है कलर्ड ऑयल, जो घी का एक येलो कलर एकदम आ रहा है तो वो है, उस पर कुछ कलर्ड ऑयल मिला हुआ है जिसकी वजह से घी का ऐसा कलर आ रहा है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स लाइक वनस्पति, ये भी घी में बहुत कॉमन एडल्ट्रेंट है जो घी में मिक्स किया जाता है। ऐसे सोयाबीन ऑयल मिक्स कर देंगे या फिर कोकोनट ऑयल घी में मिक्स कर दिया। नेक्स्ट है एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स भी घी में बहुत कॉमनली मिक्स की जाती है, जैसे बीफ फैट, मटन फैट या फिर पिग का फैट हो गया, वो मिक्स कर देंगे घी में। तो ये सब जो कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं जो घी में मिक्स कर दिए जाते हैं। तो अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारे घी में जो हम मार्केट से ख़रीद के लाए हैं उसमें किसी तरह की कोई मिलावट है? तो सबसे पहले देखिए बेसिक टेस्ट है पहला, दूसरा होगा स्टार्च की प्रेजेंस हम कैसे टेस्ट करते हैं, तीसरा है कलर्ड ऑयल टेस्ट, नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोजनेटेड ऑयल टेस्ट, एंड लास्ट वन इज़ एनिमल फैट टेस्ट। तो पहला बेसिक टेस्ट होगा। क्या करना है इसमें आपको, आप लोग मार्केट वाला घी और जो होम मेड घी है, अगर दोनों को लेके टेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट का जो रिज़ल्ट है आपको बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको स्पून में घी को ले लेना है, एक स्पून में आप रखेंगे होम मेड घी और दूसरे स्पून में रखेंगे आप जो आप घी मार्केट से लाए हुए हैं। उसके बाद आपको इस घी को रेफ्रिजरेटर में रख देना है और 2 से 3 मिनट तक आपको वहाँ पे उसमें स्टोर होने देना है घी को। आपको उस घी को स्टोर होने देना है, कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप रख देंगे। उसके बाद आप इसको, घी को वापस बाहर निकालेंगे और उसके बाद आप इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हो रहा है, घी कैसे मेल्ट हो रहा है। तो दोनों घी को आप रखेंगे तो अगर घी प्योर है तो वो मेल्ट होने में, पिघलने में टाइम लेगा और ये कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होगा। और अगर आपके घी में किसी तरह की कोई मिलावट है तो वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा और वो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए, जो ये फर्स्ट वन आप देख रहे हैं ये होम मेड घी है, इसमें देखिए आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, फिर ये मेल्ट नहीं हुआ है अच्छे से, कितना टाइम लेगा ये। और दूसरा वाला जो आप घी देख रहे हैं वो बाहर का घी है और वो मेल्ट हो रहा है। तो ऐसे ही करके आप चेक कर सकते हैं अगर आपका घी कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो उसमें किस तरह की कोई मिलावट होगी।
और अगर घी कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होता है तो वो घी प्योर है। तो ये सिंपल सा मेथड था, आप इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है और इसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए होगी टेस्ट करने के लिए वो होगा आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बीटाडीन जो गार्गल वाला सॉल्यूशन होता है वो आपके घर में होगा तो उससे आप सिंपली ये टेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, स्पून में घी लेना है, वही दोनों घी वैसे ही आप लेंगे, पहला होगा आपका जो होममेड घी होगा और सेकंड वन होगा जो आपका मार्केट वाला घी होगा। तो एक स्पून में 1 ml के अराउंड आप घी ले लीजिए और उसमें आप आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स आने के बाद अगर आपको, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, अगर उसमें ब्लू कलर आ जाता है तो इसका मतलब आपके घी में स्टार्च प्रेजेंट है, ये घी एडल्ट्रेटेड है। और अगर घी प्योर होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आयोडीन होती है वो स्टार्च से रिएक्ट करके ब्लू कलर देती है, तो अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आयोडीन से रिएक्ट करके यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा। तो फर्स्ट वन आपका जो होममेड घी है वो प्योर है और सेकंड वन जिसमें क्रॉस लगा हुआ है वो जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं उस घी में स्टार्च मिला हुआ है। तो ये सिंपल सा टेस्ट है, ये भी आप घर पे करके देख सकते हैं स्टार्च की प्रेजेंट चेक करने के लिए। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, कलर्ड ऑयल टेस्ट। कलर्ड ऑयल टेस्ट देखिए, जो होममेड घी है उसमें अगर आप उसको एक जगह पे 1 या 2 दिन के लिए रख देंगे और बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे शीशी को, जो अगर ग्लास की कांच की शीशी होगी ट्रांसपेरेंट, तो उसको आप घी को अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आप देखते हैं कि उसमें घी के ऊपर एक ऑयल लाइक लेयर जो होती है वो ऊपर दिखाई पड़ती है, ठीक है। और ऐसे ही आपको मार्केट वाले घी के साथ भी करना है, मार्केट वाले घी को भी आपको 1-2 दिन के लिए ऐसे ही अनटच्ड रखना है। तो सब और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप होममेड घी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, जो ऑयल लाइक लेयर आपको मिली है उस ऑयल लाइक लेयर को आप एक स्पून से निकाल लीजिएगा और उस लेयर को आपको क्या करना है, 1 ग्लास गर्म पानी में आपको ऐसे डाल देना है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ग्लास में आपने एक वो लेयर ऑयल की डाल दी गर्म पानी में, उसके बाद आपको इसको उठा के ग्लास को फ्रीज़र में रख देना है 45 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको 45 मिनट बाद जब आप इसको ग्लास को निकाल के देखोगे तो आपको ये ऊपर देखिए घी जो होगा वो जमा हुआ दिख जाएगा। तो उसको आप अपना एक स्पून से निकालोगे तो वो आपको घी दिख जाएगा कि घी ऊपर यहाँ पे जमा हुआ है। अब यही एक्सपेरिमेंट आप करेंगे जो मार्केट वाला घी है उसके साथ में, सेम प्रोसीजर करेंगे। तो इसमें आपको जब आप रेफ्रिजरेट करने के बाद इसको बाहर निकालोगे तो ये देख रहे हैं, जैसे आप इसमें इमेज में इसमें येलो कलर का कलर टाइप का दिख रहा है आपको, तो ये घी जो एडल्ट्रेटेड है इसमें ऑयल मिला हुआ है, कलर्ड ऑयल। जब स्पून से निकालते हो देखिए कितना क्लियरली आपको दिख रहा है इसमें कि ये इस घी में ऑयल मिला हुआ है, जबकि जो आपका जो होममेड घी था उसमें आपका घी मिल रहा था और इसमें आपको कलर्ड ऑयल मिल रहा है। तो इस तरीके से देखिए आपने कलर्ड ऑयल को घी में से सेपरेट किया, कितना आसान सा मेथड है, ये आप करके देखिएगा। नेक्स्ट मेथड है, ये भी ऑयल के टेस्टिंग के लिए होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल जैसे घी में मिले होते हैं, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सब की अगर मिलावट की गई है तो इसके लिए ये टेस्ट है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी ग्लास में कर सकते हो ये टेस्ट, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड SCL चाहिए होगा और शुगर क्रिस्टल, थोड़ी सी शुगर चाहिए होगी और कॉन्सेंट्रेटेड SCL चाहिए होगा। तो आप क्या करते हैं, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक में आपने प्योर घी वाला सैंपल डाला 5 ml और दूसरे वाले में आपने मार्केट वाले घी का 5 ml डाल दिया। अब इसमें आपको दोनों ही टेस्ट ट्यूब में
पहली वाली में देखिए आपने 5 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl और थोड़े से शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब पे भी सेम प्रोसीजर करनी है आपको, 5 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया और थोड़ी सी शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए। अब आपको इसको एक स्टॉपर में इंसर्ट कर लेना है और 2 मिनट तक शेक करना है दोनों टेस्ट ट्यूब को। अब देखिए, अगर आपको रेड या पिंक कलर दिख रहा है तो इसका मतलब आपके घी में हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिक्स किया गया है। जैसा कि आप पहले वाले टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं, जो मार्केट वाला घी है उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिक्स किया गया था, तो उसमें आप रेड या पिंक कलर, इसमें देखिए रेड कलर आ गया है, तो इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपके मार्केट वाले घी में ऑयल की मिक्सिंग की गई है। और दूसरा वाला जो होम मेड घी है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो ये कितना सिंपल सा टेस्ट है। नेक्स्ट है कि घी में जो एनिमल फैट मिला रहे हैं तो उसके टेस्ट के लिए, कि भी बहुत आसान सा है, आपको जो घर पे कॉफ़ी फिल्टर या जो छन्नी से चाय छानते हैं आपको वो लेनी है, और उसमें आपको 1 चम्मच आप घी डाल लेंगे। सेम प्रोसीजर आपको करनी है होममेड घी के साथ में और मार्केट वाले घी के साथ में। तो आपने छन्नी में ये डाल दिया घी, उसके बाद आप इसको छानिएगा। अगर ये नीचे नहीं फ़िल्टर हो रहा है तो आप इसको स्पून यूज़ कर सकते हैं और फ़िल्टर होने देते हैं, इसको पास होने देते हैं। तो आप देखिए जो एडल्ट्रेटेड घी है उसमें कैसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जो आपको ये ग्रैनुलर पार्टिकल्स टाइप के दिख रहे हैं इस तरीके के, तो ये एडल्ट्रेटेड घी के हैं, जबकि नॉर्मल घी में ये ऐसे पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे। एडल्ट्रेटेड घी में आपको ये पार्टिकल्स दिखेंगे। तो इस तरीके से आप जो ये देख रहे होगे येलो कलर के जो दिख रहे हैं पार्टिकल्स, ये एनिमल फैट की मिक्सिंग की गई है इसमें। तो इस तरीके से आप अपने घर पे ही घी का टेस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि घी आपका प्योर है कि नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।